सच्ची लगन और कुछ कर गुजरने का जज्बा इंसान को कोई भी कार्य करने से नहीं रोक सकता। इसी का जीता जागता एक उदाहरण टोंक में देखने को मिल रहा है। अपने हुनर और कला प्रेम के चलते ताल कटोरा निवासी कारी हाफिज गुलाम अहमद ने विश्व का सबसे बड़ी कुरान तैयार की है। इतनी बड़ी साइज की कुरान दुनिया में कहीं नहीं है। इसका एक पेज खोलने के लिए 4 आदमी लगाए जाते हैं। दुनिया के विद्वान भी इसको देखकर हैरान हैं। इसको अरबी फारसी शोध संस्था में रखा गया है। इस कुरान का साइज 10 फीट 5 इंच और चौड़ाई 7 फीट 6 इंच है। 3 mm की कलम से इसको लिखा गया है। इसकी स्याही मेड इन जर्मनी की है। हर पेज में 41 सत्रे और विशेष फोटो लगाए गए हैं। हाथ से बने कागज के 18 फीट फुल जोड़कर एक पेज तैयार किया गया है। इसका वजन 250 किलोग्राम का है। इसका हर पेज कलात्मक और विशेष आकर्षण लिए हुए है। इसकी जिल्द एक नक्काशी की गई है। इसकी जिल्द के चारों पेजों के कोनों पर चांदी के आकर्षक कोने बने हुए हैं। इस कुरान का हर वर्क अलीफ से शुरू होता है। इसका एक पेज खोलने के लिए ही 4 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। हमने सुना कि अफगानिस्तान में 7 फुट लंबा कुरान करीम तैयार हुआ। सावा चित्तौड़ के हाजी मोहम्मद शेर खान ने और हमने सावा चित्तौड़ के जो हाजी मोहम्मद शेर खान साहब थे, नब्बर अल्लाह मरकज़हु, अब वो दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी भी ख्वाहिश थी और हमारी भी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान में ऐसा कुरान मजीद तैयार किया जाए जो दुनिया में किसी मकाम पर ना अमेरिका के पास हो, ना ईरान के पास हो, ना अरब के पास हो, ना दुनिया की किसी और दीगर मुल्क के पास हो। चुनाचे अफगानिस्तान की खबर सुनकर कि वहाँ 60 फुट तैयार हुआ है, हमने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने के लिए 10 फुट 5 इंच लंबा 7 फुट 6 इंच चौड़ा मेरे सुपरविज़न में अल्लाह ने तैयार करवाया। और मेरे छोटे भाई हाफिज़ कारी गुलाम अहमद टोंकी, जिन्होंने बड़ी मेहनत, लगन, तवज्जो, दिलचस्पी के साथ इस कुरान करीम की किताबत खत नस्ख में अपने हाथ से की। इससे ये कुरान मजीद का अब तक का सबसे बड़ा साइज है। इससे पहले कुरान मजीद जो काबुल के अंदर था वो 7 फीट का था, ये 10 फीट 5 इंच तो लंबा है और 7 फीट 6 इंच चौड़ा है, इसकी चौड़ाई है। और इसको मैंने लिखा है तीर के कलम से और स्याही के हाथ की बनी हुई है कलम।